जापानी लड़की के साथ हुए बुरे बर्ताव पर ऋचा चड्ढा ने दिया रिएक्शन, गिरफ्तारी पर अड़ी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने बेबाक बयान के लिए जानी जाती हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी बेबाकी का परिचय दिया है। दरअसल उन्होंने कुछ लड़कों के एक ग्रुप की गिरफ्तारी की मांग की है, जो एक जापानी लड़की को परेशान करते हुए कैमरे में कैद हुए। उन लड़कों की इस शर्मसार हरकत पर काफी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ऋचा चड्ढा का नाम भी जुड़ गया है। एक्ट्रेस ने उस सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना रिएक्शन शेयर किया है, जिसमें उस लड़की के साथ हुई अनुचित हरकत का वीडियो शेयर किया गया है। वायरल ट्वीट पोस्ट के अनुसार लड़कों ने कथित तौर पर भारत में एक जापानी पर्यटक को घेरकर उस पर होली का रंग फेंककर उसके सिर पर एक अंडा फोड़ा और उस पर पेंट छिड़ककर परेशान किया, जो कि उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वायरल पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया, उन लोगों के लिए जो भारत मैट्रिमनी होली अभियान के खिलाफ थे। भारत में एक जापानी पर्यटक, कल्पना कीजिए कि आपकी बहन, माँ या पत्नी के साथ किसी अन्य देश में इस तरह का व्यवहार किया जाता तो शायद आप तब समझते। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋचा ने कहा, इन लोगों को गिरफ्तार करो। मोहित वशिष्ठ नाम के एक शख्स ने लिखा, बेशरम लोग, दिल्ली पुलिस को इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। चांदनी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ये आपराधिक मारपीट है, लानत है इन आदमियों पर। क्या ये जश्न मनाने का विचार है? ये हिंदू संस्कार है, हमें इसके खिलाफ अधिक लोगों को मुखर होने की जरूरत है, न कि स्विगी या भारत वैवाहिक विज्ञापन के खिलाफ। ये हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। दीपक कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, कोई भी हिंदू इस तरह की हरकत का समर्थन नहीं करता है। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सभी सजा के हकदार हैं। हमारी धर्म संस्कृति पर्व त्योहारों के ऐसी मानसिकता के लोग बदनाम करते हैं। हालांकि जब तक इस पर पूरी तरह चीजें खुलकर सामने नहीं आती तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जानकारी के लिए बता दें कि होली के त्योहार पर लड़कों के ग्रुप द्वारा विदेशियों को छेड़े जाने वाले ऐसे कई अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर लोग अपने रिएक्शन शेयर कर रहे हैं। कई बार तो ऐसी चीजों पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन कई बार इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।